राम 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 राम। नमा गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमा प्रेभ्या प्रपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या ब्रह्म शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ताभासं स्मृत्यमायुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं विनायकं एकादशीं गणपतिं द्वादशीं गजाननं द्वादशीतानि नामानि त्रिशतं व्यापठन् नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्त्रोतं सर्वासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मशकले त्वया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वागणेशस्य प्रसादतः। हर हर। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष ना जानिए, यह सब है नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो हो गए तुलसी दास। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, नर्मदा मैया की, नर्मदेश्वर महादेव की, बाजना मठ वाले श्री भैरवनाथ की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, जबलपुर के पगलन की, संत समाज की, बागेश्वर धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नमः पार्वती पते। हर 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 हर। साधु जी और जोर से बोलो, सीताराम। कैसे हो? बढ़िया हो? भूख नहीं लगी हैं? अच्छा गर्मी नहीं लगी? रोटी खाओ, लोचई खाई तुमने? बड़ी अच्छी बात यह है, रोज दिन में 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद यहां जबलपुर में चल रहा है। लोचई खाई तुमने? लोचई लोचई जाना, लोचई कहावती पूरी, जो खाता है पूरी कभी नहीं होता है बूढ़ी। आज हम बहुत लेट हो गए, इसका एक कारण तो यह है कि रात को पूरी रात जगते रहे, और दूसरा कारण यह है कि चले तो जल्दी थे लेकिन रास्ते भर पागल मिले, सो हर जगह गाड़ी रुक जाती थी। कम से कम 1.5 घंटा हमको आने में लग गया है, दूर भी है लेकिन जब आए सो आए, सुबह को भूलो शाम के आ जाए तो भूलो नहीं का हो जाते। आ तो गए, अब नहीं जाएंगे। कल की सूचना बता दें, कल भगवान की कथा में अवतार महोत्सव है और यहाँ पर हमारे बहुत ही प्रिय, वैसे जुड़े तो अभी नए नए हैं वो, लेकिन बहुत ही प्रिय बंबई से अनूप जलोटा जी यहां भजन करने संध्या करने आएंगे। कल शाम की टाइम आएंगे और कथा के बाद भजन संध्या होगी, तो आप लोग भी भजन संध्या सुनना। और कल का जो दरबार है ना, हम सोच रहे आप लोग सुबह से आ जाते हो, हमें टेंशन हो जाती। हाँ टेंशन ये हो जाती है कि तुम लोग, कई लोग तो रात के गए ही नहीं है, पहले ही जोन ने जो है कब्जा कर लिया जमीन पे, अवैध कब्जा। इसलिए हमने विचार किया कल का दरबार
एक घंटे का दरबार है, 2 बजे लगाएंगे, 2:30-3 पर फ्री हो जाएंगे, 3:30 बजे से यहीं कथा में बैठ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, आवाज पीछे तक नहीं जा रही का? सुना रहो पीछे? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, संत समाज की, धुनी वाले दादाजी की, धुनी वाले दादाजी की, धुनी वाले दादाजी की। आज का दिव्य दरबार भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए हम सब प्रारंभ करते हैं। जो हनुमान जी की प्रेरणा होगी, जिनकी अर्जी लगनी होगी लगेगी, और बाकी सामूहिक अर्जी सबकी स्वीकार हो जाएगी। और एक बात हम बता दें, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। जो तांत्रिकों के चक्कर में, गुनियों के चक्कर में परेशान, बर्बाद, घर बर्बाद हो गए, अब हम भारत, हमसे किसी ने पूछा कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते हो, हमने कहा हम भारत के लोगों को हनुमान जी को, हनुमान जी के चरणों को देना चाहते हैं, ताकि भारत के लोगों को दर बदर ना भटकना पड़े और घर बैठे ही बागेश्वर बालाजी की कृपा को पा जाएं। क्योंकि तांत्रिकों के चक्कर में कुछ हाथ नहीं लगता, और तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम भी नालायक आदमी हैं, बहुत कबाड़ी आदमी है, तुम्हें पढ़ना ही है, बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो, उनका नाम जप करो, पर्चा ना बने घबराओ मत, निराश मत हो, यहां नहीं बना अब तो बढ़िया उपाय हो गया, हर जगह कथाओं में दरबार लगने लगा है, धाम पर भी दरबार लगने लगा है, पर्चा भले ही ना बने, नारियल घर पर बांध लो, महीने में एक बार बागेश्वर धाम की शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर दो। अब सन्यासी बाबा कह रहे थे बिना पर्चा बने ही पेशी करने से काम सफल हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वर्तमान युग में अब तक जो कहते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, भारत के इतिहास में बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा की, अनुकंपा की वर्षा हुई है कि भारत के इतिहास में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे बोले भगवान नहीं होते, हमने ठटरी बार दई। अब वो भी कहने लगे कछु ना कछु तो, अब वो कछु ना कछु और कछु नहीं भैया, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। किसकी कृपा है? जोर से बोलो, किसकी? बागेश्वर बालाजी की कृपा है, ये उन्हीं का प्रताप है। हम तो माध्यम है, हम जब नहीं थे तब भी दरबार लगता था, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरुजी जिनका चित्र लगा है वो भी दरबार लगाते थे। और ये एक अद्भुत संयोग ये है कि ये जो मंच है, और हमारे जो तिवारी जी हैं बागेश्वर धाम से तो जुड़े ही हैं, उसके पहले एक ऐसे बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के ऐसे सिद्ध संत से जुड़े, ऐसे सिद्ध संत का यह मंच है, अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी पूज्य पाद श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत के कोने कोने में, विदेशों में भी भगवान शंकर जी के धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की प्रेरणा से शिवलिंग बनवाना और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवाना पूरे भारत को सिखाया, एक नई दिशा और दशा दी भारत को, ऐसे पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित देव प्रभाकर शास्त्री जिनको हम सब दद्दा जी महाराज कहते थे, उनकी कृपा का प्रसाद का यह मंच है। और अद्भुत संयोग, दद्दा जी और हमारे गुरु जी दादाजी, दो ही जनों का चित्र लगे हैं, तो अद्भुत संयोग यहां पनागर जबलपुर के इस प्रांगण में, इतिहास में लिखित हो गया है। तो 3 पीढ़ियों से बागेश्वर बालाजी का दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरुजी भी लगाते थे, दादा गुरुजी के भी गुरुजी लगाते, 3री पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी जाओ कहा आओ।
हम तो महाकबाड़ी हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग हर महीने लगभग 8 से 10 लाख लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, हम रहें या ना रहें, मंगल शनिवार को तो जाते ही हैं। दरबारों में दो दो तीन तीन पांच पांच छह छह, अभी मुंबई गए थे 5-5 लाख मुंबई में। लोग कहते थे मुंबई तो पढ़े लिखे लोगों की है, गांवों में तो दरबार चल जाएगा, बंबई में नहीं चलेगा। हमने कहा ठटरी के बरे नक्कटा, हमारे बागेश्वर बालाजी ने हाउ डू यू वाराणसी सीताराम के बुआ दई, जो दिन भर अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, जो कहते थे एकदम विज्ञान ही सब कुछ है, हमने जब विदेश में जाके डेकाडॉन की लगा है और 4-5 चमत्कार जब बड़े बड़े दिखाए, सो अंग्रेज भी बोले हू दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल माई डियर, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माई डियर। हाँ, बागेश्वर बालाजी का ऐसा प्रताप आज पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी छाया है, जो जहां बैठकर सदगुरु सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी को भजता है, संसार का ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान संकट मोचन के पास ना हो। हम तो माध्यम है, हमारी कोई महिमा नहीं है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, हम तो नालायक आदमी है, हम तो बस जैसे भी हैं, टूटे फूटे सब बागेश्वर बालाजी के हैं। हमें तो जो प्रेरणा लगती हम वो कह देते और बालाजी की कृपा से वो सत्य निकल जाता है। तो लोगों ने कहा कि आप दरबार के माध्यम से भारत को कौन सी दिशा दे रहे हो, लोगों को कौन सी दिशा दे रहे हो। हमने कहा पागलो, हम दरबार के माध्यम से लोगों को उन हनुमान जी के चरणों से जोड़ना चाहते, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। कलयुग के राजा कौन है, कौन है? हनुमान जी है। और हम लोग भटकते दर बदर, इतने विचित्र हैं तुम लोग, इतने बदमाश हो, तुमको ऐसा भगवान चाहिए मुंह में नारियल डाले हाथ में फोड़ के निकाल दे, बहुत बदमाश। हर 15 दिन में तो तुम अपना गुरु बदल देते हो, हर 15 दिन में दरबार बदल दे। हैं आजकल ये YouTube पे ज्यादा चल रहा है, ये बाबा फूंक लगाते हैं आदमी उड़ जाता है। हम किसी बाबाओं के विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो बाबा नहीं हो, महात्माओं के विरोधी हो ही नहीं सकते, हम तो उनके चरणों के दास हैं। हम तुम लोगों के विरोधी हैं कि कब तक आखिर तुम भटकोगे, कब तक तुम धक्के खाओगे, कब तक तुम अपना माथा रगड़ोगे, कितनी जगह तुम भगवान बनाओगे, कितने दरबारों में तुम जाओगे, आखिर तुम कब तक अपने आर्थिक और शारीरिक और समय का शोषण करवाओगे, आखिर तुम कब तक अपनी हंसी उड़वाओगे। अब आजकल तो तुम्हारे दर दर भटकने से तुम्हारे घर के लोग भी हंसने लगे और तुम खुद अपने आप पर खिन्न होने लगे कि भगवान होते भी कि नहीं। हम भारत के लोगों से कहना चाहते मेरे पागलों, और जबलपुर के पागलों से कहना चाहते जो जो यहां दरबार में बैठे, अर्जी तो तुम्हारी स्वीकार होनी ही है, बागेश्वर बालाजी की कृपा तो होनी ही है तुम पर, पर्चा बने या ना बने, पर्चा तो एक बहाना है, पर्चा तो एक माध्यम है, पर्चा उनके लिए है जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, जो कहते हैं देवी या शक्तियां नहीं होती, जो कहते हैं ये सिर्फ पाखंड और झूठ है। हमें लगता है 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगाने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। लेकिन मेरे पागलों, पर्चा से कुछ नहीं होना है, एक बात याद रखना, और ये बात तुम्हें कोई गुरु बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ना तो हमारी कोई दुकान है और ना हमें तुमसे कोई मतलब है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हारा कोई शोषण ना कर पाए और तुम्हारी आंखों में आंसू ना आ पावे।
हम चाहते हैं कि तुमको चमत्कार के नाम पर दर दर ना भटकना पड़े, तुम जहां रहो वहीं बागेश्वर बालाजी का दरबार बन जावे। जबलपुर के पागलों जो जो यहां बैठे हैं, आज के दरबार में एक बात कान में सुनकर जाना और दिल में रख कर ले जाना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आज के बाद अभी से या तो तुम गुरु को मानना छोड़ देना या आज के बाद गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। आप पूछो इससे होगा क्या, हमारा जवाब सुनते जाओ। जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, संकट आएगा, बाधा आएगी, जिस दिन तुम ये बात अमल करने लगोगे कि हम भगवान के हो गए, हम गुरु जी के हो गए, अब बालाजी जाने, उस दिन तुम्हें संकटों से घबराना नहीं पड़ेगा। जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा संकट मोचन बनकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक है और शर्त बड़ी गंभीर है, और शर्त का नाम है कि अगर बालाजी से जुड़ गए तो फिर मुड़ना नहीं पड़ेगा। अगर तुम बालाजी के हो गए तो दर दर तुम्हें भटकना। और हम तुमको एक बात और बता देते हैं, ये तुमको कोई बोले उसके पहले हम तुम्हें बता देते हैं, पर्चा से कुछ भी तुम्हारा होने वाला नहीं है। पर्चा तुम्हारी मन की बातें, तुम्हारा इतिहास, घटित होने वाली घटनाओं का संकेत तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा विषय होगा, हमारे हनुमान जी के लिए तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। हमारे हनुमान जी के लिए तो ये खेल है, और हमने जितना इंसान को समझा है, बहुत करीब से समझा है, इंसान की खोपड़ी बहुत खतरनाक होती है। इंसान की खोपड़ी इतनी खतरनाक होती है कि एक प्रश्न उसका पूर्ण हो भी जाएगा तो दूसरा प्रश्न तैयार होगा, एक समस्या ठीक हो भी जाएगी दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाएगी। सिर का दर्द ठीक होगा, पेट दर्द करने लगेगा, पेट का दर्द ठीक होगा, पड़ोसी दर्द करने लगेगा, और पड़ोसी ठीक होगा, सुलगाई दर्द करने लगेगी, प्रश्न की झड़ी लगती जाएगी, पर्चा खत्म हो जाएंगे, समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए तुम एक प्रश्न का उत्तर पाने बैठे हो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। सिर्फ तुम इसलिए बैठे हो कि एक समस्या का निदान हो जाए तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि एक समस्या बस होनी हो तो समस्या का समाधान हो। तुम्हारे जीवन में हर पल समस्याएं बनी रहनी है, इसलिए तुम एक काम करो, हर समस्या का समाधान पाना चाहते हो तो बताओ, क्या तुम हर समस्या का समाधान पाना चाहते हो? बोलो, क्या तुम चाहते कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते कि तुम्हारा कोई शोषण ना करे? क्या तुम चाहते कि तुम्हारे ऊपर भी बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा हो जाए? जोर से बोलो जरा, चाहते हो? कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का चाहते हो? शर्त सुनो, दो शर्तें हैं। एक, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, उठ जाओ, कभी चले जाना बागेश्वर धाम हाथ में नारियल लेकर, जिनसे हमने कृपा पाई है, जो स्वयंभू बालाजी हैं, जिन सन्यासी बाबा की दया से हम ललकारते हैं विरोधियों को, धर्म विरोधियों को, तुम भी धाम चले जाना हाथ में नारियल लेकर के, और
कह देना जाकर खड़े होकर अपने अतीत को याद करके कि बस बहुत हो गया, बहुत धक्के सह लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। इतना कहकर तुम लौट आना, फिर तुम जिस दिन भी जाना पेशी करने, जरूरी नहीं तुम मंगलवार को जाना, बुधवार को जाना, गुरुवार को जाना, शुक्रवार को जाना, मेरे पागल तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। फिर तुम्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हारा घर ही बागेश्वर धाम बन जाएगा। जब जब समस्या आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी, बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी। तो आज के दरबार में सूत्र हमने दिया है, अगर तुम मान लोगे, जितने भी युवान वृद्ध परिवार बैठा है, हमने जिनसे पाया है, हम चाहते हैं तुम भी उनसे जुड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो बहुत कवाड़ी आदमी हैं, बहुत नालायक आदमी हैं, संसार के जितने अवगुण हैं वो हम में भरे पड़े हैं, बहुत ही धूर्त आदमी है, और तुम हमारे चक्कर में पड़ रहे, मतलब पाप के भागीदार बन रहे हो। अब बिल्कुल मत बनो, हमारे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। रही बात चमत्कार की, तो पर्चा चमत्कार नहीं है, जो पर्चा बनवाते हैं उनकी चर्चा चमत्कारमय है। पर्चा कौन बनवाता है बोलो? बागेश्वर, जोर से बोलो ना। आप कहोगे महाराज जी आप बागेश्वर धाम का ही नाम क्यों ले रहे हैं, हमारे बगल में भी तो हनुमान जी है, हमारे घर पे भी तो हनुमान जी है, क्या आपके हनुमान जी सीनियर हैं, बाकी हनुमान जी जूनियर हैं? बिल्कुल नहीं, हनुमान जी तो समान है। फिर बागेश्वर धाम की बात क्यों कर रहे हैं हम पेशी की? भैया हवा तो सब जगह है, हाँ जी या ना जी बोलो? हवा तो सब जगह है, लेकिन जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं, संत जहां तपस्या करते हैं, सन्यासी बाबा दादा गुरुजी जैसे संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी खड़े होकर नाचने लगते हैं, उसी धाम का नाम बागेश्वर धाम है। और धन्य है बागेश्वर धाम, आज तक के इतिहास में लाखों करोड़ों लोग आए, धन्य है, रोते हुए आए और बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए गए, खाली झोली लेकर आए। कोई ऐसा नहीं है, हाँ कोई नियम ही ना करे, अब छेद ना पिए पौगा और मंगलवार हाँ करे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नैया बैठटरी के बारे न कटा। क्या तोरे घर के बब्बा कक्का है? हनुमान जी तोरे घर के अंकल आए, कहते छेद ना पौगा पी लाल की, और फिर कहो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ऐसे कृपा नहीं करते, नियम का पालन करना पड़ेगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर रखना पड़ेगा, 21 पेशी करनी पड़ेगी शनिवार की या मंगलवार की, फिर और देवता चित्त ना हनुमत से ही संकट कटे, जो सुमरे कबन सुकाज जो नहीं हो है। फिर ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी पूर्ण ना कर पावे। और देखो हमें और तुम्हें बागेश्वर बालाजी तो दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन हमको और तुमको बागेश्वर बालाजी की कृपा, हमको और तुमको दिखाई तो नहीं पड़ रहे, पर हम तुम बालाजी को जरूर दिखाई पड़ रहे। और हमारे पास तो देखो एक बात, और हमारे पास तो गुरु जी की कृपा है और बस, और कुछ जानते ही नहीं, हनुमान जी की चरणों की प्रताप है, हम ना कुछ जानते, ना कोई मंत्र है, ना सिद्धि है, ना कुछ भी ऐसा नहीं है, जो भी है सीताराम नाम जी का जाप है, गुरु जी की कृपा। हाँ इतना कहते हैं, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, कपोल कल्पना है, तुम्हारी ठटरी आ जाओ सामने। जो कहते सनातन धर्म में कुछ भी नहीं होता है, पाखंड है, तुम आ जाओ सामने, हम तुमको एक एक दाग बताएंगे, ऐसा भेजेंगे घर पे के मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। हाँ इतना तो हमें अपने गुरुजी पर भरोसा है, इतना तो भरोसा है, अगर तुम सोते हुए नाग को जगाओगे तो हमने कौन कसम खा लाई।
हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं तुमने क्या क्या कांड किए कहाँ कहाँ, और दूध का धुला इस दुनिया में कोई है नहीं। हाँ, इसी में तो हम जीता जाते, यही में तो जीता जा। बड़े बड़े बुद्धिमान आउ तो अच्छे अच्छे मूड लेके, बड़ो बड़ो मूड लेके, पढ़े लिखे इंटेलिजेंस, समझ जाओ अंग्रेजी हमारी बहुत ऊपर लेवल की है, आओ बहुत ऊपर ले, बड़े बड़े इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धि दिखाओ, दिए दिखाओ, दिमाग दिखाओ। हम कहा नहीं, रुक जा बेटा, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तब बताएंगे। और दो ठैया लाइने लिख के दिखा दे, देख तो रहो जो कक्का धरो। सोई कान लगे, गुरु बताना था यो घर टूट जाए, नकटा सारे। अच्छा, ये तो जो भी नहीं है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा या सोचो, ना 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 ना, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी हमारे लो तो है, देखो भाई भाई हम दिखाई आगा होगा, जय जय सीता। हमारे पास है भाई भाई, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पे, इसमें तो जैसे सिग्नल गिरते हैं हम वही बोलते हैं। और तो अद्भुतता का विषय यह है, जो बोला जाएगा वही होगा। और अब जब दरबार लगा ही रहे तो हम आपको बता दें, जो दरबार में जिनकी अर्जी लगे, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े। ये जो कह रहे थे विश्वास अंधविश्वास में बारीक लाइन है, अरे छोड़ो, कोई बारीक बारीक लाइन नहीं है। तुम्हारी जितनी बुद्धि हो लगा लो, जितना तुमने पढ़ाई लिखाई की हो लगा लो। हाँ, ठटरी बार दे भी हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है, और भरोसा इसलिए है रामदूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी जैसा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं, और ये हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुमसे भी कहेंगे, तुम भी बालाजी पर भरोसा रखो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और एक बात, बागेश्वर धाम लगातार ना जा पाओ, हर मंगलवार को 5 पाठ करने घर के बगल के हनुमान जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो, इतना भर करो। और वहां पर जाकर ओम बागेश्वराय जोर से बोलो, तुम लोग कंजूस हो जबलपुर वाले, इसको थोड़ा तेज करो, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। वहां मंदिर पर बैठकर सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान, इस कीर्तन को करना प्रारंभ करो। आप जिस मंदिर में भी जाएंगे वहीं पर बागेश्वर बालाजी की झलक दिखाई पड़ेगी। जा बात हो गई, अब दरबार की बात, अंधविश्वास में ना पड़े, हम जिनको बुलाएं वो तुरंत आ जाओ। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया है, आपके बोलने के पहले ही पर्चे पर लिख दिया जाएगा। तुम तो गाली पूछोगे तो गाली नजर आएंगी, गाली लिखी मिलेगी। एक बार ऐसा हुआ है बागेश्वर धाम पे, एक दिल्ली का पढ़ा लिखा IIT करता है, अब तो चेला बन गया हम, तो आया बहुत बुद्धिमान। उसने सोचा कि गुरुजी तो वो पढ़ लेते, का कहा माइंड रीडिंग पढ़ ले। हमने कहा हम तो स्कूल ही नहीं गए, माइंड रीडिंग का पढ़ भी। लेकिन उसने चालाकी की, चालाकी क्या की, उसका जब नंबर आया, टोकन नंबर निकला, बागेश्वर धाम में वहां मंच पे आया, गुरुजी हमने आपको मंदिर पर कौन कौन सी गालियां दी बताओ, ऐसा प्रश्न किया। बालाजी की बड़ी दया, हमने पर्चा खोल के दिखाया, हमने कहा देखो भाई साहब, ये तुमने ऊपर गाली दी, और दो हमारी तरफ से एक्स्ट्रा लिखी, और सेम टू यू लिखो। सोई सारो पसीना छूट गो, सारे चश्मा उश्मा लगा के आओ तो नेचे चश्मा तीन बे पसीना। और हमने कही कायरे बेटा, जो बता प्रतीक्षा को का भाव, बेल्ट ढीली हो गई। बोलो गुरु, हमने कही वीडियो बन गो, अब नहीं चलने गुरु। फिर वो बहुत रो, दो दिन तक रो, गुरु वीडियो न डाल दे, यो बर्बाद हो जे भी। अब बाद में फिर चेला बन गो, अच्छो वालो हम आओ, अब चेला बन गो। तो ये हम तुम्हें कह रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे, तुम्हें अजमाने हो सो अजमा लाइयो, सेम टू यू लिखो मिले। हाँ, और एक्स्ट्रा भी मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं, हम चूकेंगे नहीं, इसलिए नहीं चूकेंगे कि हमारे हनुमान जी फुटकर काम करते नहीं, या थोक को काम करें। हनुमान जी थोक को काम ऐसा कर, उनसे कही कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, भी पहाड़ ले आए थे उन पे, कही जानकी जी को पता लगाया, भी लंका ही जलाया है। तो हनुमान जी फुटकर काम नहीं करते, थोक का काम कर, जब उन्हीं के हम चेला, हम काहे फुटकर करें।
हम भी थोक का करते हैं, तो हम तुम्हें बता देते हैं कि वही पूछना जो तुम सुन सको, बाद में कहोगे गुरुजी हमारी लाइफ में बेइज्जती हो गई, और फिर कई जगह फिर कहने लगते गुरुजी हमारा वीडियो हटवा दो, फिर कैसे हटवा दो, वो तो नेट पे डल गया, डल गया सैटेलाइट पे, अब नहीं हटेगा, इसलिए वही पूछना जो तुम सुन सको, और सीताराम नाम का जितने लोग बैठे सब जाप करो, बालाजी सुन, ये तो उनके लिए है जिन्हें भगवान पे भरोसा नहीं, बाकी जो यहाँ बैठे वो भक्त परिवार है, ना हमें चमत्कार दिखाना है, ना हमें प्रदर्शन दिखाना है, हमें तो आपकी समस्या का समाधान देना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक ये हो गई, दूसरा धाम की बात, हमसे मिलने के नाम पर दरबार में, कथाओं में, पंडालों में सेवादारों को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं दें। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा, क्योंकि हमारे हनुमान जी ना बिकाऊ हैं, ना हमारे हनुमान जी झुकाऊ हैं। और बागेश्वर धाम से जुड़ने से पहले तीन चीजें घर पर रख कर आना, एक पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो अपनी छटरी भराओ, पर तुम सोचो कि हम अमीर आदमी हैं, वीआईपी प्रसाद मिलेगा, वीआईपी दर्शन मिलेंगे, तो तुम अपनी छटरी बराओ, क्योंकि ना तो हमें दान चाहिए। भारत का पहला दरबार तुम्हारा बागेश्वर बालाजी का दरबार है भैया, जिसे दान की नहीं हनुमान की आवश्यकता है। तो एक अमीर कितने हो सीताराम करो, दूसरा घर पे रख के आओ पद, किस पद पे बैठे तुम अपनी दो बे छटरी बराओ, जिस पद पर बैठे ईश्वर करे तुम इंद्र के बाप बन जाओ, लेकिन तुम सोचो हम बड़े पद पर हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल, भक्त बनकर आओगे तो मिलेंगे, अगर तुम प्रोटोकॉल में आए तो ना तो तुम हम तुम्हें मिल भी, हम तुम्हारे यहां आए तो तुम हमें मत मिलना, हिसाब बराबर। तीसरा, सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, कोई दक्षिणा नहीं देना है, क्यों, क्योंकि हनुमान जी की कृपा बिकती नहीं है, बरसती है, और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे, कह दिया हमने साफ, हरी हरी बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे, हमाओ चमीटा वालो देवता जिंदाबाद। हाँ, चमीटा वाले देवता की ना तो FIR होत, ना दिखाता, अब जैसे को दिखात ना हो, यो चमीटा मारा तो लो तुम हमाओ काका कर ले हो, हलुआ कर ले हो। तो हनुमान जी की बड़ी कृपा है, तो तुम चिंता मत करो, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ, हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। अब इतने के बाद भी तुम बुजदिल हो, तुम्हारे अंदर अगर सनातन के लिए सम्मान नहीं है और तुम्हारा जमीर मर चुका है, और तुम इतने के बाद भी अंधविश्वास में पड़ो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख बुजदिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि ना तो हम अपने लिए जी रहे, ना अपने लिए चिल्ला रहे, ना ये खतरा अपने लिए मोल ले रहे, हम चाहते हैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पे राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें, हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े, हम चाहते हैं तुम राम की पूजा गर्व और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है दरबार लगाने का, ना तो हमें कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है, ना कोई हमें बहुत बड़ा चमत्कारी इंसान बनना है, और दान तो हम लेते नहीं हैं, तो दक्षिणा की तो हमें आवश्यकता नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं फिर आपके पास दक्षिणा क्या है, हमने कहा ये जो लाखों लोग बैठे हैं इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है। और एक वचन दे देते हैं, अगर तुम सदा के लिए बागेश्वर बालाजी के हो जाओगे तो हम तुम्हें वचन देते हैं एक ना एक दिन हम तुम्हें मिलेंगे। रुको, मिलेंगे ही नहीं, जाओ आज से तुम्हारी समस्या की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, हमारे सन्यासी बाबा की है। हमने जो तपस्या की चूरन चटनी या जो साधना की चूरन चटनी कमाई है,
हम बालाजी के लिए तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे, तुम बस एक बार हनुमान जी पर भरोसा करके देखो, हम पर मत करना, हम तो धोखा दे जाएंगे, बालाजी पर कर...